अध्याय 18। इसके बाद मैंने एक स्वर्ग दूत को स्वर्ग से उतरते देखा। गिर गया, बड़ा बाबुल गिर गया है, और दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा हो गया, क्योंकि उसके व्यभिचार के भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है, और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। फिर मैंने स्वर्ग से किसी और का शब्द सुना के, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो, और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े, क्योंकि उसके पाप स्वर्ग तक पहुंच गए हैं और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको भर दो, और उसके कामों के अनुसार उसे दो गुना भर दो। जिस कटोरे में उसने भर दिया था उसी में उसके लिए दो गुना भर दो। जितनी उसने अपनी बढ़ाई की और सुख विलास किया उतनी उसको पीड़ा और शोक दो। क्योंकि वो अपने मन में कहती है, मैं रानी हो बैठी हूँ, विधवा नहीं, और शोक में कभी ना पड़ूंगी। इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेंगी, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, और वो आग में भस्म कर दी जाएंगी, क्योंकि उसका न्यायी प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। और पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और सुख विलास किया, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे, और उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बाबुल, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी पर में तुझे दंड मिल गया है, और पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और कल्पेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल मोल न लेगा, अर्थात सोना चांदी रत्न मोती और मलमल और बैंजनी और रेशमी और किरमिजी कपड़े और हर प्रकार का सुगंधित काच और हाथी दांत की हर प्रकार की वस्तुएं और बहुमोल काठ और पीतल और लोहे और संगमरमर के सब भांति के पात्र और दारचीनी मसाले धूप इत्र लोबान मदिरा तेल मैदा गेहूं गाय बैल भेड़ बकरियां घोड़े रथ और दास और मनुष्यों के प्राण, अब तेरे मन भावने पल तेरे पास से जाते रहे, और स्वादिष्ट और भड़कीली वस्तुएं तुझसे दूर हुई है, और वे फिर कदापि ना मिलेंगी। इन वस्तुओं के व्यापारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए थे उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होंगे और रोते और कलपते हुए कहेंगे, हाय हाय, ये बड़ा नगर जो मलमल और बैजनी और किरमिजी कपड़े पहने था और सोने और रत्नों और मोतियों से सजा था, घड़ी ही भर में उसका ऐसा भारी धन नाश हो गया। और हर एक मांझी और जलयात्री और मल्लाह और जितने समुद्र से कमाते हैं सब दूर खड़े हुए और उसके जलने का धुआं देखते हुए पुकार कर कहेंगे, कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान है, और अपने अपने सिरों पर धूल डालें और रोते हुए और कलपते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि, हाय हाय, ये बड़ा नगर जिसकी संपत्ति
आपत्ति के द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले धनी हो गए थे, घड़ी ही भर में उजड़ गया। ईश्वर और हे पवित्र लोगों और प्रेरितों और भविष्य वक्ताओं, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा पलटा लिया है। फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया और ये कहकर समुद्र में फेंक दिया कि बड़ा नगर बाबुल ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता न मिलेगा। और वीणा बजाने वालों और बजनियों और बंसी बजाने वालों और तुरही फूंकने वालों का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा और किसी उद्यम का कोई कारीगर भी फिर कभी तुझ में न मिलेगा और चक्की के चलने का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा और दिया का उजाला फिर कभी तुझ में न चमकेगा और दूल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे और तेरे टोने से सब जातियां भरमाई गई थी और भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों और पृथ्वी पर सब घात किए हुओं का लहू उसी में पाया गया।